जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के परमानेंट कमीशन में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जुलाई 2022 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस एंट्री में केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें टोटल 35 पोस्ट है, इसमें से एजुकेशन ब्रांच में 5 पोस्ट है और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में 30 पोस्ट है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यहाँ पर 35 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27 जनवरी 2022 से भरना शुरू हो जाएंगे और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 8 फरवरी 2022। अगर बात करें यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फी के बारे में, तो आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में, यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ हो, अगर इस दौरान आपका जन्म हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12th पास होना जरूरी है, पर ध्यान रखें ये जो आपने 12th पास करी है इसमें आपके 12th में PCM सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि आपने आपके 12th में जो है कम से कम 70% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा आपके 10th या फिर 12th क्लास में जो आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उस इंग्लिश सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि 2021 में जो JEE मेंस का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें आप अपीयर हुए हो, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको एक तो 12th पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12th पास करी है उसमें आपके PCM सब्जेक्ट होना चाहिए और 12th में आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके 10th या फिर 12th क्लास में इंग्लिश के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ 2021 JEE मेंस एंट्रेंस एग्जाम में आप अपीयर हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये हो गई इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर सबसे पहले आपका होगा SSB इंटरव्यू। यहाँ पर आपको बता दें कि जो SSB के लिए जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसके लिए आपका बेस जो है वो आपके 2021 के अंदर जो आपका JEE मेंस एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो आपका CRL है, जो कॉमन रैंक लिस्ट है, उस लिस्ट के बेसिस पे यहाँ पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फिर उसके बाद में शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका जो SSB इंटरव्यू होगा वो या तो बैंगलोर में या फिर भोपाल या फिर कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम में होगा, जो कि मार्च या फिर अप्रैल 2022 में होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपका SSB इंटरव्यू होगा। SSB इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो SSB के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उनकी फाइनल ट्रेनिंग होगी। तो इस तरीके से ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो ज्वाइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in पे जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिल करके उसको सबमिट करना है। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 फरवरी 2022। अगर बात करें यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको बता दें कि हम जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं वो ओरिजिनल आपके पास में होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, इसके लिए आपके पास या तो 10th या फिर 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और 2021 में जो आपका JEE मेंस का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका भी स्कोर कार्ड होना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन नेवी के परमानेंट कमीशन में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जुलाई 2022 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या कोई डाउट है तो आप अपना सवाल या अपना डाउट जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।